अगर आप शिमला जाना चाहते हैं या जाने वाले हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत सारी जानकारियां हैं इसमें जो आपके काम आने वाली हैं अगर आप शिमला जाएंगे या जाने वाले हैं तो। यह वीडियो लैंडस्लाइड से जस्ट पहले का है। अभी फ्लैट आउट भाई, ट्रैक के नीचे से पूरी मिट्टी बह गई है, पूरी जमीन बह गई है और इसके चलते कई महीने लगेंगे इस ट्रैक को, इस रूट को चालू होने में। तो चलिए यह वीडियो एंजॉय कीजिए क्योंकि यह नज़ारे फिर अब कब मिलेंगे, कितने महीने के बाद मिलेंगे अब यह तो ऊपर वाला ही जानता है। स्थिति नॉर्मल होने में अभी समय लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। ग्यारह किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं तारा देवी, इसके तीसरे हॉल्ट। तारा देवी का स्टेशन कोड है TVI और यह पड़ता है अंबाला डिवीजन में। और यहाँ तारा देवी स्टेशन के पास ही कैक्टस का पौधा है, देखिए बड़ा ही सुंदर लग रहा है, जैसे किसी के पैर हों, पांच उंगलियां हों। तारा देवी से हमारा डिपार्चर हो रहा है, चलिए डिपार्चर देखते हैं। और तारा देवी से डिपार्चर हो रहा है 5 मिनट की देरी से, और देरी का कारण है कि ट्रेनों को पास देना। और फिर से मौसम खराब होने लगा है, देखिए बादल घिर आए हैं, बिल्कुल आंख इधर है कान तो उधर ही है। झरना सत्रह किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच रहे हैं सोगी, और हम पहुंचे हैं लगभग 12 मिनट की देरी से। और सोगी के पास नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। सोगी स्टेशन की बात करें तो यह पड़ता है अंबाला डिवीजन में और इसका जोन पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे। सोगी से हमारा डिपार्चर हो रहा है, चलिए डिपार्चर देखिए, छोटा सा डिपार्चर।
यहाँ गए थे हम लोग, ये यही तो हम कहीं रुके खाने से। सैंतीस किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं इसके पांचवें हॉल्ट कांदा घाट, और हम पहुंचे हैं बिल्कुल राइट टाइम से। कांदा घाट की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है KDZ और यह पड़ता है अंबाला डिवीज़न में, और इसका जोन पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे। और यहाँ पे 5 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है और हम पहुँचे हैं टाइम से पहले, तो हमें मिलने वाला है कम से कम 5 से 7 मिनटों का समय। तो खाएंगे हम यहाँ पे कांदा की पकौड़ी। और जैसे ही ट्रेन कांदा घाट पर रुकी है, एक ही दुकान है भाई, पूरी की पूरी ट्रेन की भीड़ आके जमा हो गई। और यहाँ पे मिल रहे थे पकौड़े जो कि शेष हो चुके हैं, है अभी शायद थोड़े से बचे हैं। थोड़ा सा स्टेशन का टूर आपको दे देता हूँ, छोटा सा स्टेशन, पहाड़ियों के स्टेशन वैसे छोटे ही होते हैं। और हमारी ट्रेन 7 डब्बों की, और भाई इस रूट पे आने का मजा अलग ही है, फुल पैसा वसूल रूट है। देखो आप, ओए है है है। चलिए कांदा घाट से हमारा डिपार्चर हो रहा है, आइए डिपार्चर देखते हैं। पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा स्टेशन और बहुत ही खूबसूरत। और बगल से यह ब्रिज बनता हुआ, बगल साइड से आपको हाईवे देखने को मिल जाएगा।
42 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं सलोगरा, और हम पहुंचे हैं 5 मिनट की देरी से। सलोगरा की बात करें तो यह पड़ता है अम्बाला डिवीजन में, और इसका जोन पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे। सलोगरा से हमारा डिपार्चर हो रहा है, आइए डिपार्चर देखते हैं। रास्ते में ये लैंडस्लाइड हुए हैं जो आप देख रहे हैं। पकड़े रहना ठीक से। चलो आप भी आ जाओगे ब्लॉग में। उनचास किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं सोलन, और हम पहुंचे हैं समय से बिफोर। और सोलन की बात करें तो यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, इसका डिवीज़न पड़ता है अम्बाला, और जोन पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे। सोलन से हमारा डिपार्चर हो रहा है, आइए डिपार्चर देखते हैं। यहाँ पे इस ट्रेन का केवल 1 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट था, हम पहुँचे थे बिफोर, इसीलिए हमने थोड़ा ज़्यादा इंजॉय किया इस स्टेशन पे। और इसके बाद मतलब कि यहाँ तो ढेर सारी इस तरह की टनल है, लेकिन टनल नंबर 33, जी हाँ 33 नंबर टनल जो है वह 3752 मतलब 3752 फीट लंबी है, और वह आने वाली है, वह भी आपको आगे देखने को मिलेगा वीडियो में।